एक नई जिंदगी कार्यक्रम में फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं हमारे इस प्रिय और पवित्र सत्संग के लिए, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में सदा बने रहते। जीवन एक उत्सव है, आइए जीवन के उत्सव को प्रभु के आनंद में मनाएं और सदा उसके साथ बने रहें। इन दिनों में हम यीशु जी के दृष्टांतों पर मनन कर रहे हैं कि किस प्रकार से यीशु जी ने परमेश्वर के राज्य के भेदों को प्रकट किया। परमेश्वर का राज्य मनुष्य के बीच में आ चुका था और लोगों के लिए प्रवेश का आमंत्रण था, लेकिन वे जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के मूल्यों को इस पृथ्वी पर लागू करें, यह भी आवश्यक था। परमेश्वर के राज्य के पृथ्वी के मूल्यों को परिमार्जित करते हैं, पवित्र करते हैं, सिद्ध करते हैं। वे कहीं भी उसके विरुद्ध खड़े नहीं होते। पापी मनुष्य ऐसा सोच सकता है कि कोई विरोधाभास है, लेकिन परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था परमेश्वर की पृथ्वी पर परमेश्वर की रीति से पूर्ण हो, यह परमेश्वर की योजना थी। इसलिए मनुष्य के पापी स्वभाव पर जय प्राप्त करते हुए परमेश्वर के राज्य के मूल्यों को स्थापित करना आवश्यक है। एक बहुत ही भावुक और बहुत ही गहरा मूल्य है परमेश्वर का प्रेम, कि परमेश्वर हर खोए हुए इंसान का इंतजार कर रहा है कि उसके राज्य में प्रवेश करे और उत्सव मनाए। हम सब परमेश्वर के श्वास के द्वारा निर्मित किए गए, मूल रूप से हम परमेश्वर की रचना है, और जब हम भटक जाते हैं तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। और ईश्वर ने जो कुछ हमें जीवन में दिया है उसे खोकर जब हम संसार में चले जाते परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। चाहे हम जितनी भी हानि कर दें, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हर कीमत पर हम अपने घर लौटने पाए, अपने पिता के पास लौटने पाए। इसलिए यदि हम उस पर ईमान लाएंगे तो हमें बदल देगा और हमें नया रूप प्रदान करेगा। आज का दृष्टांत एक ऐसे बेटे का दृष्टांत है जो उड़ाऊ बेटे के रूप में जाना जाता है, जिसने अपने पिता के घर को तबाह करने में कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी पिता ने उसे प्रेम से अपनाया। आज इस दृष्टांत को हम देखेंगे, उससे पहले ये भी अगर लागे मुझे बेमान अपना बदल के हुए बेटे की कहानी बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में से। लूका का सुसमाचार 15वां अध्याय 20वां आयत से लेकर 24वां आयत तक यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया
और दौड़कर उससे गला लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ पशु लाकर मारो ताकि वह खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरे यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था और मिल गया है और वे आनंद मनाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक दृष्टांत बताता है। यीशु जी ने यह दृष्टांत खोए हुए लोगों के लिए सुना है कि कैसे खोए हुए लोगों से परमेश्वर प्यार करता है। हम ये भी जानते हैं कि हम में से हर एक मनुष्य जो पाप करता है वो अपने पाप के कारण परमेश्वर से जुदा है, लेकिन परमेश्वर हमारे दूर रहने से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन वो हमें अपने अंकुार में लेकर अपने घर में वापस लेना चाहता। इस बात को समझाने के लिए यीशु ने ये दृष्टांत कहा कि एक मनुष्य था, उसके दो पुत्र थे। ये मनुष्य संपन्न था, खेती बाड़ी नौकर चाकर सब थे, लेकिन जब छोटे बेटे ने यह देखा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब उसके मन में एक ख्याल आया कि पिता के अधीन रहना उतना आनंददायक नहीं है, क्यों ना मैं हिस्सा लेकर जाऊं, अपने मन मर्जी से अपने जीवन को व्यतीत करूं और अधिक व्यापार करूं, पिता से ज्यादा कमाऊं और आगे बढ़ जाऊं। सोचने को विचार अच्छा था, लेकिन जीवन उसके योग्य नहीं था। छोटे बेटे के मित्र, संगी साथी सब बुरी चाल चलन के लोग थे, लेकिन उसने अपने पिता से जिद की, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, संपत्ति का जो भी मेरा भाग हो आप मुझे दे दीजिए, मैं दूर देश जाऊं। तो पिता ने अपनी संपत्ति दोनों बेटों के बीच में बांट दी, जो दूसरे बेटे को देना था वो भी दे दिया और जो इस छोटे बेटे को देना था वो भी दे दिया। बड़ा बेटा तो अपने पिता की संपत्ति के साथ वहीं पर रहा, लेकिन छोटे बेटे बेटे ने सब कुछ इकट्ठा किया और दूर देश चला गया, बहुत दूर चला गया। और वचन कहता, कहानी कहती है कि वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति हुआ। ये बेटा इतना बिगड़ा हुआ था कि इसके चाल चलन भी सीधी नहीं थी, इसका कोई काम सीधा नहीं था, इसलिए वो अपने पिता की संपत्ति को बढ़ाना तो दूर है, सुरक्षित भी नहीं लग पा, परदेश में उसे कोई रोकने वाला नहीं था, वो अपनी मनमानी करता रहा और सब कुछ उड़ा दिया। जब उसने सब कुछ उड़ा दिया तो संयोग से उसी समय देश में भी अकाल पड़ा। जब मनुष्य के दिन बुरे आते हैं तो चारों ओर से संकट आता, देश में बड़ा अकाल पड़ गया, पेट भरने के लाले पड़ गए, जीवन यापन के लाले पड़ गए, घर से दूर था, कोई अपनाने वाला नहीं था, जिन दोस्तों ने मित्रों ने साथ में रंगरेलियां की वे सब उसे छोड़कर भाग गए थे, वो बिल्कुल अकेला रह गया। तब उस देश के निवासियों में से एक के यहां वो जाकर रहने लगा, उस मालिक की शर्त पर ये समर्पित हो गया, यानी कहा उसके यहां जा पड़ा, मतलब कैसे भी शरण ले ली, जो तनख्वाह वो देगा ले लेंगे, जो मजदूरी वो देगा ले लेंगे, कैसे भी जिंदा रहें अकाल में बच जाए। और वो जो उड़ाऊ बेटा था वो ये चाहता था कि मालिक बस इतनी कृपा करे कि उसकी जो सुअर है उन्हें देखभाल करने का उसको मौका मिले
और जो भोजन सुअर करते हैं, जो फलियां खाते हैं, बस वो ही उसको भी खाने को मिल जाए, इतना उसके लिए काफी। देखिए मनुष्य जब गिरता है तो कितना नीचे चला जाता, वो अपना मूल्य नहीं जानता, वो अपने पिता के मूल्य को नहीं जानता, वो अपने घर की धन संपदा को नहीं जानता, और गिरा तो इतना नीचे गिरा कि उसने अपनी जो काम की जो शर्तें तय की वो बहुत नीची थी, लेकिन मजबूरी थी, मालिक भी राजी हो गया, जब इस शर्त पर काम करने वाला तैयार है तो क्यों ना उसे लगा लिया जाए, और वो इस तरह से वहां पर काम करने लगा। लेकिन एक बहुत सुंदर वचन यीशु जी ने वहां पर कहा, और कहा जब वह अपने आपे में आया, अर्थात वो सोचने लगा, और जो कुछ उसने किया था वो नहीं सोच रहा था, जो तबाही हो गई वो नहीं सोच रहा था, वो पिता के घर में अपने स्थान के बारे में सोच रहा, मेरा वजूद, मेरा महत्व, मेरे पिता का दबदबा, मेरे पिता का प्यार, ये सब कुछ उसको ख्याल में आया, अभी तक ये नहीं सोच रहा था, इसलिए बर्बारी के रास्ते से लौट भी नहीं पा रहा था क्योंकि सोच नहीं रहा। फिर उसने सोचना शुरू किया कि मेरे पिता के घर में तो बहुत भोजन है, और मेरे पिता के नौकर जो हैं वो भी मुझसे अधिक खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। ये सोचते सोचते उसका मन दुखित हो गया। फिर सहसा उसके मन में आया क्यों ना पिता के पास चला, और यहां पर लिखा है कि वो कहता है मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया, इसलिए अब योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख दो। वो कहता पहले तो मैंने ईश्वर का अपराध किया है क्योंकि अपने पिता का अनादर किया, पिता की संपत्ति लेकर चला गया, कुकर्म में उड़ा दी। पिता तेरा अपराध तो बाद में, पहले ही परमेश्वर पिता के खिलाफ अपराध, मैं अपराधी हूं, इसलिए मुझे अब नौकर के समान रख ले। ये सोचकर, ये बातें सोचकर, मन में संजोकर वो अपने पिता के घर लौटा और सफर तय करने लगा कि किसी तरह से खुदा के घर पहुंच जाए, अपने पिता के घर पहुंच जाए। और जब वह अपने पिता के घर की ओर चला तो वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। देखिए वह अभी घर तक पहुंचा नहीं, बहुत दूर है, लेकिन पिता की निगाहें उसका इंतजार कर रही थी। वो अपने बेटे को खोजते हुए परदेश तो नहीं गया, लेकिन अपने दरवाजे पर रोज इंतजार करता था कि कभी मेरा बेटा जरूर आए, क्योंकि वो अपने बेटे को बेहतर जानता था। इसलिए दूर से उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के, कपड़े तो फटे हुए थे, रूप बिगड़ा हुआ था, पांव में जूते नहीं थे, बदहवास सा था, लेकिन फिर भी बेटा तो बेटा था, पिता ने दूर से पहचान लिया। और जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा, पहला भाव जो उसके मन में आया वो तरस का है, वो तरस से। और यहां पर लिखा है कि उसने दौड़कर उसे गले लगा, पुत्र तो चल के आ रहा था, पिता दौड़ के गया उसके, पुत्र तो ये सोच के आया था कि पांव में गिरूंगा, माफी मांगूंगा, ये बातें कहूंगा, लेकिन पिता ने उसे एक भी बात नहीं कह दी और उसे दौड़कर अपने गले लगा लिया। और बाइबल कहती है, यहां पर यीशु जी ने कहा उसे बहुत चूमा, इतना चूमा कि वो कुछ बोल भी नहीं पाया। पुत्र ने उससे कहा मुझे कैसे भी रख लो, लेकिन पिता ने अपने दासों से कहा अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, जूते पहनाओ, बाल काटो, इसको सजाओ संवारो, और फिर इसके लिए उत्सव मनाओ, बड़ी जेवनार करो, क्योंकि खुशी का समय, ये समय नहीं है कि नापा जाए या ये आंका जाए कि इसने नुकसान कितना किया, ये समय नहीं है कि ये देखा जाए कि इसने कितने बुरे और गंदे काम किए, ये समय नहीं है कि इसने ये बोले कि इसने अपने पिता को कितना बदनाम किया, लेकिन ये समय है कि वो वापस आ गया, इसका उत्सव मनाया जाना चाहिए। कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई रुकावट नहीं, लेकिन केवल उत्सव मनाया जाए। और पिता के कहने पर पशु काटे गए और एक बड़ा उत्सव वहां पर मनाया, और जो पिता कहता वो बहुत खूबसूरत बात कहता, मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है,
खो गया था मिल गया और वे आगम बना गए। प्रियो, परमेश्वर का स्वभाव मेरे और आपके लिए कहां तक जा सकता, वो कितना मुझसे और आपसे प्यार करता कि जब हम अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं वो प्रतिदिन मेरा और आपका इंतजार करता और हमारे हर विचार और हमारे हर चाल चलन और हमारे हर सोच को देखकर वो सोचता काश मेरा बेटा लौट आए, काश मेरा बेटा लौट आए। परमेश्वर अपने दरवाजे पर पलक पावड़े बिछा कर मेरा और आपका इंतजार करता, चाहे जिस भी हालत में आए मैं अपना लाभ हानि का कोई हिसाब किताब नहीं, क्योंकि प्यार किसी शर्त पर नहीं होता और प्यार के सामने कोई भी चीज मूल्यवान नहीं होती। इसलिए पिता का दिल अपने बेटे पर पूरी रीति से न्योछावर था, इंतजार था तो बस बेटे के लौटने। आज इस संसार में अक्सर लोग बोलते हैं प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं, प्रॉब्लम परमेश्वर के साथ, शायद हम पापी हैं इसलिए वो हमसे घृणा करता है, शायद वो हमारा संहार करना चाहता है, शायद वो हमारा तिरस्कार करना चाहता है क्योंकि हम उसके काबिल नहीं। लेकिन दृष्टांत में मुझे और आपको ये बताया गया कि यीशु जी मुझे और आपको ये समझाया कि परमेश्वर हर शर्त पर अपने बेटे को लेने के लिए तैयार है। आज सबसे बड़ा उत्सव इस बात का है कि भटका हुआ बेटा घर आ जाए, इसलिए परमेश्वर के घर में आनंद मनाया जाता है जब कोई इस प्रकार का भटका हुआ बेटा अपने पिता के घर लौटता है। इस दृष्टांत के द्वारा यीशु जी ने अपने लोगों को यह समझाया कि परमेश्वर का प्रेम अति महान और उसने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि हर मनुष्य को अपने सीने से लगा ले। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मेरे और आपके लिए आए कि हम अपने पिता के पास लौट जाएं, उस प्रभु के द्वारा अपने पिता के पास लौट जाएं जो बेसब्री से मेरा और आपका इंतजार करता है और वो ये चाहता है कि हम अपने घर वापस आ जाएं। प्रिय, संसार में नाना प्रकार के पाप और प्रलोभन, कई बार हमें मालूम भी नहीं रहता कि कोई हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार निराला है। परमेश्वर के हृदय को मेरे और आपके सामने खोल कर रख देता आज इस दुनिया को ऐसे परमेश्वर की तलाश है जो हर शर्त पर उसके आने का इंतजार कर रहा है। अगर ये सच है तो वो परमेश्वर मेरे और आपके बीच में है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो रोज मुझे और आपको बुलाता, वो हसरत भरी निगाह से रोज मेरे और आपके लौटने का इंतजार करता। खुदा इंतजार की मुद्रा में, और जो इंतजार करता उसे कभी चैन नहीं मिलता जब तक आने वाला वापस ना आ जाए। जब तक दुनिया चलती रहेगी खुदा का इंतजार बना रहे, और जब तक मनुष्य इस संसार में खोया रहेगा खुदा का इंतजार बना रहे, वो मेरे और आपके लिए इंतजार करता रहे कि मैं और आप उसके पास लौटे। कैसे लौटेंगे? हम अपने परमेश्वर की ओर अपने मुख को करें, अपने कदमों को अपने खुदा के घर की ओर बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे कदम? अपनी परिस्थिति जिसमें आप हैं उसमें से निकलिए, अपने बुरे हालात पर ध्यान करिए, आप क्या हैं और आपको क्या होना चाहिए इस पर आप थोड़ा सा ध्यान करें। आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप अपने पिता के घर लौटें। अपने आप ही में आए, सोचना शुरू करें किसने मुझे बनाया, मैं कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, मेरी ऐसी बुरी हालत क्यों है। अपने आप ही में आएंगे तो घर के बारे में सोचेंगे, घर के बारे में सोचेंगे तो कदम बढ़ाएंगे, और कदम बढ़ाएंगे तो घर के निकट पहुंचेंगे। और जैसे ही आप परमेश्वर की निगाह के
घेरे में आ जाते हो, फिर आपके करने के लिए कुछ नहीं होता। वही दौड़ता है, वही गले लगाता है, वही आपको सजाता संवारता है, वही आपको अपने घर में लाता है और वही आपके लिए उत्सव मनाता है। आप उसकी सुसमाचार के जद में आइए, अपनी जिंदगी को खुदा के सामने रख दीजिए, उसे आपको देखने दीजिए, भले दूर से देख रहा हो, देखने दीजिए उसे, आप उसकी तरफ कदम उठाइए, बस इतना आपके लिए काफी होगा, बाकी परमेश्वर आपको स्वीकार करे। पिता परमेश्वर का स्वभाव मुझ पर और आप पर प्रकट कर दिया। ईश्वर प्रेम है, वो प्रेम से अपने लोगों को ढूंढता है, आप भी उसकी बनाई हुई उसकी रचना है, वो आपका भी इंतजार कर रहा है। क्या हम अपने घर लौटेंगे? क्या हम माफी मांगकर अपने पिता से अपने जीवन को नया बनाएंगे और उत्सव में शामिल होंगे? प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर आपको अपनी कृपा और करुणा में परिपूर्ण करे, ताकि आप अपनी जिंदगी भर खुदा के पीछे उसकी ओर निहारते हुए चल सके, आपके जीवन का सारा भटकाव हमेशा हमेशा के लिए एक बार दूर हो जाए और परमेश्वर आपको अपने सीने से इस प्रकार से लगाकर चूम ले कि आप फिर से उसके घर की शोभा बन जाए और आपके कारण खुदा के घर सदा आनंद और मंगल बना रहे। यीशु नासरी के नाम से आपके आत्मा प्राण और देह में प्रभु का अनुग्रह होता है। यीशु नासरी के नाम से आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपके आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े रहते हैं। हम हर प्रोग्राम में आपको हमारे फोन के नंबर्स देते हैं जिस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स का आप उपयोग करें और आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप और अधिक जानना चाहते हैं, आप अवश्य इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे संपर्क करें। प्रभु की आशीष आप पर सदा बनी रहे। आमीन।